नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने ऑफिस गुरु चैनल में दोस्तों आज हमारे पास देखिए डेटा किस तरीके से देता कि जहाँ पे कस्टमर के या एम्प्लॉय के नाम लिखे और उनके सामने जो डेट और टाइम दिया है वो पूरा मिक्सअप दिया हुआ है दोस्तों देखिए डेट और टाइम के साथ किसे मिक्स हो गया दोस्तों अगर आपको इसे सेपरेट करना है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों जैसे कि देखिए यहाँ पे एक दस ट्वेंटी ट्वेंटी तो एक थोड़ा सा अंदाज़ा आ रहा है दोस्तों यहाँ पे हर जगह पे टेन टेन लिखा है करेक्ट है दोस्तों और यहाँ पे अगर आपको कहाँ आप तो बोल सकते दोस्तों कि टेक्स्ट कॉलम से भी अलग होगा अगर आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा इंटरव्यू में कि हमारे पास एम्प्लॉय का डेटा है उसमें और उसमें डेटा और टाइम मिक्सअप है तो आप उसे सेपरेट कीजिए एक फंक्शन थ्रू तो आप कैसे करेंगे दोस्तों तो ऐसे सारे क्वेश्चन एम वालों को या जो भी डेटा प्रोसेसिंग में काम कर रहे हैं जो भी डेटा एनालिसिस करें उनके लिए क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों कि ये नए फार्मूला थ्रू सॉल्व करके चाहिए तो अगर 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 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे या आपको टेक्स्ट टू कॉलम से भी नहीं हो रहा दोस्तों तो क्या करेंगे देखिए अभी यहाँ पे क्या चाहिए उनकी रिक्वायरमेंट क्या रहती है दोस्तों जैसे कि मान लीजिए एक दो तीन चार ये डेट है उनके यहाँ पे स्लैश चाहिए फिर टेन के बाद स्लैश चाहिए टू थाउजेंड ट्वेंटी के बाद स्पेस चाहिए एट और फोर जीरो मतलब एट की यहाँ पे उन्हें कॉलन चाहिए तो ये सारे सवाल आप कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों टेक्स टू कॉलम से तो थोड़ा सा काम होगा बाकी का काम दोस्तों ये बहुत थोड़ा मुश्किल होता है दोस्तों ऐसे सारे टास्क आपको डेटा प्रोसेसिंग में आते ही है दोस्तों अगर मान लीजिए किसी का किसी कंपनी में डेटा जो है एक सॉफ्टवेयर से डाउनलोड हो गया आता है तो उस टाइम को वो डेटा एक्सेल में पहुंचने तक वो डेटा पूरा मिक्स हो जाता है दोस्तों तो इस तरीके के डेटा को आप सेपरेट कैसे करेंगे तो चलिए आज मैं वही आपको सिखाने वाला हूँ तो दोस्तों मेरा पिछले वाला सेशन था रिप्लेस फंक्शन के ऊपर तो यहाँ पे भी हम रिप्लेस फंक्शन ही लगाने वाले हैं लेकिन किस तरीके से चलिए देखिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों कि यहाँ पे फर्स्ट डेट के बाद यहाँ पे चाहिए स्लैश ठीक है एक स्लैश हो गई फिर टेंथ के बाद एक स्लैश चाहिए तो दो स्लैश हो गई 2020 के बाद स्पेस चाहिए मतलब तीसरा एक होगा

क्योंकि मुझे चार यहाँ पे रिप्लेस फंक्शन अप्लाई करने ठीक है चार क्यों दोस्तों क्योंकि ये देखिए यहाँ पे मुझे क्या चाहिए वन के बाद स्लैश तो एक रिप्लेस हो गया यहाँ पे टेन के बाद दूसरा टू थाउजेंड ट्वेंटी के बाद स्पेस चाहिए तीसरा एट के बाद यहाँ पे कोलन चाहिए तो चार तो चार रिप्लेस में फंक्शन यूज करने वाला हूं ठीक है दोस्तों तीन हो गए और ये लीजिए फोर्थ वाला चलिए अब क्या करेंगे देखिए दोस्तों ओल्ड टेक्स्ट आपका पुराना टेक्स्ट कौन सा है तो मैं सिलेक्ट करूंगा ये वाला ठीक है दोस्तों कॉमा करेंगे स्टार्ट नंबर मतलब कहां से आपको रिप्लेसमेंट करना है तो मैं क्या करूंगा देखिए दोस्तों सिंपली यहां से काउंट करूंगा स्टार्ट से वन टू ये टू नंबर पे मुझे चाहिए तो मैं यहां पे क्या करूंगा टू ठीक है उसके बाद कॉमा दीजिए नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने नंबर या कितने टेक्स्ट आप रिप्लेस करना चाहते हैं मुझे रिप्लेस यहाँ पे कुछ नहीं करना मैं जीरो लिखने वाला हूं ठीक है दोस्तों फिर कॉमा करेंगे उसके बाद न्यू टेक्स्ट आपका क्या है तो दो नंबर के डिजिट के वहां पे मुझे चाहिए सिंपल सा स्लैश और कर दूंगा ब्रैकेट क्लोज ठीक है दोस्तों तो एक रिप्लेस हो गया कॉमा उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा फिर उसके बाद क्या करना है आपको तो मैं वापस यहाँ पे दोस्तों काउंट करूंगा नंबर्स देखिए एक और वो स्लैश आएगा दो हो जाएंगे फिर तीन चार तो मैं यहाँ पे लिखने का दोस्तों पांच करेक्ट है मतलब पांचवे कैरेक्टर जो है वहाँ पे कुछ नहीं है रिप्लेस करना है वहाँ पे पांचवा कैरेक्टर भी मुझे चाहिए पांचवा नंबर भी चाहिए या पांचवा टेक्स्ट चाहिए सिंपल सा स्लैश ठीक है दोस्तों ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो दो हो गए हमारे रिप्लेसमेंट उसके बाद थर्ड वाला देखिए दोस्तों एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और दस नंबर पे मुझे क्या चाहिए वो भी आपको यहाँ पे लिखना है दोस्तों कॉमा देखिए स्टार्ट नंबर दस कॉमा करेंगे यहां पे भी मैं क्या करने वाला दोस्तों सिंपल सा देने वाला हूं जीरो वहां से हमें कैरेक्टर कुछ रिप्लेस नहीं करने वहां पे ऐड करने तो कोटेशन मार्क में मुझे क्या करना पड़ेगा सिंपल सा देना पड़ेगा स्पेस क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 2020 के बाद मुझे यहाँ पे स्पेस देना है ठीक है तो स्पेस ऐड कर दिया मैंने ब्रैकेट क्लोज कॉमा करने के बाद ये लास्ट वाला रिप्लेस आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको फोर्थ रिप्लेस का क्या करना है स्टार्ट नंबर चलिए मैं यहाँ से काउंट करता दूँ एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस वाला स्पेस ग्यारह और बारह नंबर पे मुझे कोलन डालना है तो देखिए बारह कॉमा जीरो कुछ रिप्लेस नहीं करना बारह के बाद जीरो जीरो के बाद तो एट के बाद हमें क्या चाहिए दोस्तों देखिए कोटेशन मार्क में मैं सिंपली कोलन ऐड करने वाला हूं बस हो गया ब्रैकेट क्लोज देखिए दोस्तों जितने भी ब्रैकेट क्लोज करने वो अंदर हमने कर दिए फंक्शन के जैसा नहीं कि आपको लास्ट में चार ब्रैकेट देने बस एंटर प्रेस कीजिए देखिए दोस्तों देखिए डेट भी आराम से सेपरेट हो गए और टाइम भी बस सिंपली नीचे की तरफ ट्रैक कर दीजिए तो आप जहां तक आपका डेटा है वो सारा आपको सॉर्ट करके मिलेगा कितना सिंपल है दोस्तों बस आपको ये रिप्लेस फंक्शन एक बार समझ में आया ना तो दोस्तों आप इसके अंदर बहुत सारे रिप्लेस फंक्शन नेस्टेड के जैसे आप यूज कर सकते हैं देखिए दोस्तों वरना ये बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों कि आपको ये डेट को सेपरेट करना फिर उसके बाद आपको ये हाइफन स्पेस और कोलन देना तो आप इसे यूज कीजिए दोस्तों रिप्लेस फंक्शन जो भी डेटा प्रोसेसिंग में काम कर रहे केपीओ में काम कर रहे या कोई भी एम में अगर जो काम करे अगर उनके पास डेट के ऐसे प्रॉब्लम्स रहते हैं दोस्तों जो कंबाइन में डेट आते हैं तो उनको सेपरेट करने में उन्हें बहुत वक्त लगता है वो सेपरेट भी करते हैं दोस्तों लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा है दोस्तों अगर आपके मैनेजमेंट के पास पहले तो टाइम नहीं उनको सब रिजल्ट क्विकली चाहिए तो दोस्तों वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं रिप्लेस फंक्शन तो रिप्लेस के अंदर मैंने यहाँ पर चार रिप्लेस फंक्शन यूज़ किए बहुत ही सिंपल फंक्शन दोस्तों एक बार आपको उसके अंदर की प्रोसेस या स्टेप समझ में आए तो दो दोस्तों आप कितना भी मिक्स डेटा रहें उसे आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं ठीक है दोस्तों और ये फंक्शन मैं आपके लिए यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ ताकि आप ये फंक्शन को देख के प्रैक्टिस करें ठीक है दोस्तों तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा सेशन हंड्रेड पसंद आया होगा दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों और लाइक और कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद